अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ लेंसेज के रिलेटेड, लेकिन अबू धाबी के, अबू धाबी यूनाइटेड अरब इमारात। तो जैसे अभी कुछ दिनों पहले दुबई ने निकाला है कि दुबई आरटी वालों ने निकाला है कि किसी भी अरबाब के ओनर के या सिग्नेचर या एनओसी के, मतलब विदाउट आप जो हैं वो लेंसेज की जो है ट्राई और लेंसेज बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो मैं भी इसी रिलेटेड से बात कर रहा था कि अबू धाबी ने भी निकाल दिया दुबई के सैमसंग, तो लेबर वाले जो हैं वो नहीं खोल सकते, उनके अलावा किसी भी कोई भी वीज़ा है आप लोग खोल सकते हैं। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी ओपन की है, क्योंकि अबू धाबी यूनाइटेड अरब इमारात, दुबई नहीं, अबू धाबी का। तो पहले नहीं था, तो पहले सबसे पहले दुबई ने खोला है, तो फिर जो है अबू धाबी ने भी ये खोल दिया। तो पहले तकरीबन 6 महीने पहले मैं गया था, तो मुझे कहा था कि ओनर के सिग्नेचर या कंपनी से एनओसी लेके आए, तब आपका जाके लाइसेंस जो है ओपन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस दफ़ा जो है कोरोना जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो इसके जो है विदाउट किसी एनओसी के, विदाउट किसी सिग्नेचर के आपको मतलब लाइसेंस मिलेगा, चाहे वो नेपाली है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन या किसी भी कंट्री से है। ये गवर्नमेंट ने सबके लिए ओपन किया है, और किसी भी गाड़ी का, चाहे वो ट्रक, बस, मोटर बाइक, कार एंड ऑल के लिए। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं खुद ओपन करके आया हूँ, ये नहीं कि किसी और से सुनी हो या कहीं से देखी हो, नहीं, मैं खुद गया हूँ क्योंकि मुझे ओपन करनी थी, मैंने भी देखनी थी, मैंने ओपन की है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि जैसे ही ओपन हुई मैं गया अपना, क्या कहते हैं, मरोहर, यहाँ जो है अरबी में जो है इसको लाइसेंस ऑफिस दफ्तर को मरोहर कहते हैं, मरोहर भी कहते हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल, एमरस ड्राइविंग कंपनी जिसका नाम है, ये है अबू धाबी में भी है, और अबू धाबी के दूसरे सिटी जो है वो अपना अलैन, अबू धाबी अलैन जिसको बोलते हैं, वहाँ भी है। तो मैंने अलैन में ओपन किया है, तो आप अबू धाबी अलैन एक ही गवर्नमेंट, एक ही, आप चाहें तो वहाँ ओपन करें या यहाँ ओपन करें, सेम है। तो आप लोग, मैं सबसे पहले जैसे कि गया, सबसे पहले जो है, सबसे पहले आइन, अरबी में आइन बोलते हैं आँखों को, आँख, आई टेस्ट कराएंगे। आई टेस्ट की जो है आप रिपोर्ट लेके अंदर टाइपिंग में जाएंगे, टाइपिंग के दौरान आप टाइपिंग करेंगे, हाँ, अगर जो आप नंबर यूज़ करते हैं वो नंबर आपका अवेलेबल आपके पास है तो वो अपनी तरफ़ से नंबर शो करेंगे, आपका नहीं, अपनी तरफ से नंबर शो करेंगे जो आपका है, अगर आपके पास वो है, ठीक, नहीं है तो फिर आपको नंबर चेंज करने के लिए भेजेंगे। नंबर चेंज, आप वहाँ से, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं, बहुत रश भी होता है, तो खैर हो जाता है, मेरा तो तकरीबन 5 दिन लग गए रश में, लग लग के बहुत लोग थे, लाइन में आखिर लग करना तो पड़ता है, तो मैंने किया। तो जो है वो फिर मेरा जाके नंबर चेंज हुआ है, नंबर चेंज होने के बाद फिर जो है मैं वापसी टाइपिंग वाले के पास आया हूँ, टाइपिंग वालों ने मेरी एंट्री की है, ठीक है, एंट्री करने के बाद नंबर पे मेरा एक एसएमएस आया, एसएमएस आने के बाद जो है फिर मतलब कि ओके हुआ है, ओके होने के बाद फिर मेरा मतलब कि पूछा कौन सी गाड़ी का आपको लाइसेंस चाहिए, और आपने अरबाब से, आपके जो अरबाब यानी ओनर है उससे आपने पूछा है, उसने आपको हाँ बोला है? मैंने कहा जी, मैंने अपने ओनर से पूछा है, उन्होंने मुझे हाँ बोला है कि आप लाइसेंस बनवा लें, लेकिन सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है या ना एनओसी की, तो अब तब के आप वो ओपन कर सकते। फिर उन्होंने मेरा जो है वो एंट्री की, एंट्री करने के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला है कि एक मैसेज आ चुका है, दूसरा मैसेज जो है तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर आएगा, तो आप फिर रिटर्न आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने के जो है आई टेस्ट के जो है मेरे से 100 दिरहम्स लिए हैं, 100 दिरहम्स यूएई के, 100 दिरहम्स लिए हैं, और जो मतलब नॉर्मल टाइपिंग जो है एंट्री फ़िलहाल हुई है उसके 60 रुपीज़ लिए हैं, 60 यानी 60 रुपये। तो आप लोग कोई भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है कंफर्म मैसेज जब आएगा तो उसके बाद जो है मेन फाइल मेरा प्रोसेस में है वो ओपन होगी, उसके चार्जेस कितना हैं आई डोंट नो। तो ये जब मैं जाऊँगा तो तकरीबन मैं आज या कल जाऊँगा, ये तकरीबन कल की बात है, तो मैं आज या कल जाऊँगा, तो उसके बाद अपना जो है वो ओपन करा के आऊँगा। तो कहने का मकसद यही है, बहुत से ओनर कंपनीज़ जो हैं वो वर्कर्स को वीज़ा मतलब वीज़े पर जो है वो नहीं देती हैं, लाइसेंस अप्लाई नहीं करती हैं, बहुत से कर भी देती हैं जो नहीं करती हैं, और जो मतलब कि नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग अपना जो है लाइसेंस ऑफिस जा के, यानी कि एमरेस ड्राइविंग कंपनी जा के जो है अपना जो है ओपन कर सकते हैं फाइल, और ख़ुद जो है बना सकते हैं लाइसेंस। तो कोई भी है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आई टेस्ट कराएँ और जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाएँ, अबू धाबी का जिसका वीज़ा है, जिसका जहाँ का है वो वहीं पर बनवा सकता है। ये जो है दुबई ने भी किए है, अबू धाबी ने भी ओपन कर दिया है, पहले मुझे पता नहीं था, अब जब से मैं होके आया हूँ तब से मुझे भी इस चीज़ का पता चल गया है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग जाएँ
जिसको बनाना है लेंसेज, किसी भी गाड़ी का ट्रक बस कोई भी आप लोग बनाएं और अपना जो है लाइफ बनाएं, तो यहाँ इमारात के लिए, यूनाइटेड अरब इमारात के लिए लेंसेज जो है बहुत ज़रूरी है, हर इंसान की ये जो है नीड है। तो मेरा यही कहना था कि आप लोग जिसका जो वीज़ा है, हाँ लेबर लेबर जो हैं वो जाएँ ही नहीं, क्योंकि जब आप बाहर आई टेस्ट के लिए जाएंगे वो आपसे चेक करके वीज़ा चेक करेंगे, बाहर एक बंदा आएगा, अगर आपका लेबर का वीज़ा है वो पहले ही आपको बोलेगा नो लेबर के लिए अलाउ नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, लेबर वाले वीज़ा नहीं, लेबर के अलावा कोई भी वीज़ा है, चाहे वो सर्वेंट है, तबाख है, यानी कि ड्राइवर है, ड्राइवर के वीज़े भी निकलते हैं, ड्राइवर है या कंपनी वर्कर है, लेकिन विदाउट लेबर आप वहाँ पर अपना जाके बना सकते हैं। तो मेरा यही है कि मैं अपनी गया हूँ और बाकी आगे की डिटेल जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा मैं आपको वैसे वैसे डिटेल जो है बताता जाऊँगा, देता जाऊँगा। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि बताएं कि आपकी तरफ से कोई सवाल है तो वो भी मुझे बताएं, अगर कोई मतलब कुछ पूछना है तो वो भी मुझे बताएं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि लोग बोलते हैं या मैं न्यूज़ में देखूँ, नहीं मैं खुद गया हूँ, ट्राई किया था कि पहले जब मैं गया था, एक साल पहले भी गया और 6 महीने पहले भी, उन्होंने कहा ओनर NRC लेके आएँ या ओनर को लेके आएँ साइन करने के लिए, नहीं तो मैं NRC लेके आएँ, तो इसलिए मैं नहीं हो सका। अब लेकिन मैं ओपन करके आया हूँ और ये एक्सपीरियंस है, आप लोग सच जाएँ और ओपन करके आएँ, ठीक है, और अपना ख्याल रखें और बहुत खुश रहें। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।